हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा वन कॉन्सेप्ट डे में आज हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई इट हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एक PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर के आई है फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MeitY ने एक विजन डॉक्यूमेंट, एक 5-year रोड मैप जो है वो इस सेक्टर के लिए रिलीज किया है। देयरफॉर वी नीड टू डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। PLI स्कीम का मतलब क्या है? PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसका मतलब क्या होगा कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो भी कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही हैं, वो अगर एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करती हैं तो सरकार की तरफ से उनको कुछ कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। अब गवर्नमेंट ने क्यों दिया है? सेमीकंडक्टर चिप्स की क्या इंपॉर्टेंस है? सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स वो चीज़ होते हैं जो कि जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक कंडक्टर से तो कम होती है बट एक इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर जनरली प्योर प्रोडक्ट्स जैसे कि सिलिकॉन से बने होते हैं। अब इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, क्योंकि एक मीडियम होती है तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप कंट्रोल कर पाते हैं, और कंट्रोल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहाँ पर यूज़ होती है? इन्हीं चिप्स में डिज़ाइन होती है, इन चिप्स के लिए ज़रूरी होता है, जो कि आगे चल करके हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ICT प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। तो इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है? इनकी इम्पॉर्टेंस ये है कि दे हैव बिकम द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ ICT प्रोडक्ट्स, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स हैं, आपके मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हर जगह जो है अब इन सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ होता है। साथ ही साथ जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजी, ड्राइवरलेस कार, ड्रोन्स, इन सब में क्या होगा? इन सब में भी इनकी बैकबोन जो है वो यही सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। साथ ही साथ कार्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बाद दे आर दी थर्ड मोस्ट ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, और इनका एनुअल टर्नओवर ऑलमोस्ट $500 बिलियन का है। तो ये इन सेमीकंडक्टर चिप्स की इम्पोर्टेंस है। अब इस PLI स्कीम के पीछे सरकार का क्या रैशनल है, गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करना चाहती है कि सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो? तो जो उसका सबसे पहला रीज़न है वो है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। इंडिया में जो है सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि हम एक एमर्जिंग मार्केट हैं, ग्रोइंग मार्केट है, जहाँ पर इन सब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड, ICT प्रोडक्ट्स की डिमांड दिन ब दिन इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड भी बढ़ रही है। 2020 में हमने लगभग $15 बिलियन के सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट की थी। 2025-30 तक आते आते ये डिमांड और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो अब हम इंपोर्ट्स कहाँ से करते हैं, हमारा सोर्स क्या है? हमारा मेजर सोर्स है चाइना, जहाँ से कि 37% चिप्स इंपोर्ट होते हैं। अब आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जो कि आपका एक फ्रेंडली नेबर नहीं है, कल के दिन को मान लीजिए हमारे संबंध और ख़राब होते हैं, रिलेशनशिप्स और बिगड़ती हैं, तो चाइना अगर हमें एक्सपोर्ट करना बंद कर दे तब हम अपनी डिमांड को कैसे पूरा कर पाएंगे? तो सरकार इसलिए जो अपनी डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पर उसको घटाना चाहती है। सेकंड इज ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी किस चीज़ के लिए? ससेप्टिबिलिटी टू स्पाईवेयर, मालवेयर। आप इन सेमीकंडक्टर चिप्स में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कोई ऐसा स्पाईवेयर, कोई मालवेयर जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे आप हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कि मान लीजिए हमने सेमीकंडक्टर चिप जो है वो इंपोर्ट किया चाइना से, और उस सेमीकंडक्टर चिप को हमने किसी डिफेंस इक्विपमेंट में लगा दिया, तो उससे जो सारी जानकारी है वो चाइना के पास पहुंच सकती है, तो हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एस्टेब्लिश करें। थर्ड इज सेफगार्डिंग फ्रॉम चिप क्रंचेस। अभी जो सेमीकंडक्टर की डिमांड है, सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड है, वो और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, ICT प्रोडक्ट्स का, वो इंक्रीज होगा, तो इन सेमीकंडक्टर चिप्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो कल के दिन को इनका एक सप्लाई क्रंच आ सकता है, क्योंकि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो लिमिटेड है। अभी USA, कोरिया, चाइना यही सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है दुनिया भर में। तो इसलिए उस सप्लाई क्रंच से बचने के लिए भी ज़रूरी है
कि हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करें। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कटिंग एज सेक्टर्स हैं अगर आपको कटिंग एज सेक्टर्स यानी कि जैसे कि आपके 5G टेक्नोलॉजी होगी, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, अगर आपको इन सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है तो आपको उनको एक स्ट्रांग बेस देना पड़ेगा सेमीकंडक्टर चिप्स का। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इसलिए कि हम खुद की डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एस्टेब्लिश करें। इसके बाद लाइवलीहुड प्रमोशन, अब ऑब्वियसली जब मैन्युफैक्चरिंग आएगी तो किसी भी सेक्टर में हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ से लोगों को निकाल करके हम इस तरह के सेक्टर्स में ला सकते हैं। एनहेंसिंग GDP, ये देखा गया है कि जिन कंट्रीज में ये सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर हो, चाहे वो USA हो, साउथ कोरिया हो, चाइना हो, यहाँ पर इनकी GDP जो है वो इंक्रीज हुई है। तो अगर हमारे देश में भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एस्टेब्लिश होंगी तो हम भी जो है कामयाब हो पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे इन एनहेंसिंग आर GDP, क्योंकि एक बहुत स्ट्रांग केस बनेगा हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। अब लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश करने में किस तरह के चैलेंजेस जो है हमारे सामने आ सकते हैं? सबसे पहला चैलेंज क्या आ सकता है कि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट एस्टेब्लिश करने के लिए आपको 5 to 7 billion dollars की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही साथ जब टेक्नोलॉजी जो है इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है तो उसको आपको लगातार अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको हर साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है R&D इकोसिस्टम। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, आपका प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है, उसके लिए आपको बहुत ही एक स्ट्रांग R&D बेस चाहिए। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया वैसे ही बहुत कम खर्च करता है, सेमीकंडक्टर की R&D में तो और भी कम खर्चा होता है, प्राइवेट कंपनीज भी इतना एक्सपेंडिचर नहीं करती हैं। तो ये जो लगातार प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात है, लगातार प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की बात है, ये कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम अपने R&D इकोसिस्टम को मजबूत करें। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं। अब हर अप्रूवल क्या होता है कि उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, हर स्टेजेस में टाइम लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, डिले होता है, और इस ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लटके रह जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। अब इंडिया के बहुत सारे रीजन, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर कि अभी भी 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं है। कमर्शियल सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी महंगी है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ आपके यहां अभी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश करना डिफिकल्ट टास्क है। स्ट्रक्चरल फ्लॉज यानी कि जो सिस्टमिक चैलेंजेस हैं, जो हमारे सिस्टम का पार्ट हैं, वो क्या हैं, आपके लेबर लॉज, आपकी टैक्सेशन रजीम, स्किल्ड लेबर फोर्स, ये सब क्या हैं, ये सब वो आपकी सिस्टमिक डेफिशिएंसीज हैं जिनको दूर किए बिना जो है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश करना इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर एनीवन। जैसे आपके लेबर लॉस फ्लेक्सिबल नहीं है, आपके यहाँ स्किल्ड लेबर नहीं है, आपकी टैक्सेशन रजीम बहुत ही क्या है, कहना चाहिए कि उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो आप हर साल चेंज करते रहते हैं, स्टेबल नहीं है। तो इन सब की वजह से कोई भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है, क्या करें हम? करना ये है कि आप अभी किस पे फोकस करिए, बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग पे। बैक एंड मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है कि मान लीजिए कंपोनेंट्स कहीं और से बन करके आ जाएं और आप इंडिया में असेंबल कर लें, है ना। आप कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर कोशिश करिए कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स के कंपोनेंट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर लीजिए। एक बार जब आप ये बैकएंड मैन्युफैक्चरिंग में एस्टेब्लिश हो जाते हैं, उसके बाद आप फ्रंट एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेमीकंडक्टर चिप्स की ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग पर जाइए। सेकेंड इज
जो हमारे इंडियन इंजीनियर्स हैं वो ऑलरेडी चिप डिजाइनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें उसका एडवांटेज लेना चाहिए और हमें चिप डिजाइनिंग के इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश करना चाहिए। थर्ड इज वी हैव टू हैंड होल्ड दी स्टार्टअप्स हु आर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, प्रोएक्टिव कॉपरेशन ऑफ स्टेट्स। देयर आर मेनी एरियाज लाइक लैंड एक्विजिशन, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट्स। तो अगर स्टेट्स फोर्थकमिंग हो, हमें स्टेट्स का कॉपरेशन मिले, तो हम इन सारे जो ये सिस्टमिक इश्यूज हैं इनको ओवरकम कर सकते हैं एंड वी कैन बी सक्सेसफुल इन एस्टेब्लिशिंग सेमी कंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स, हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 13-15% ऑफ GDP। अगर हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स जो है एक बहुत ही वेलकम स्टेप है सरकार की तरफ से टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मिनिमम डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट, किसी भी बिजनेस के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसके पास क्या होने चाहिए, उसके पास कस्टमर्स होने चाहिए, उसके पास उसके प्रोडक्ट के बायर्स होने चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके एक मिनिमम एश्योरेंस दे सके कि हम इतना मिनिमम क्वांटिटी तो आपसे प्रोक्योर करेंगे ही करेंगे, तो जो भी इतना बड़ा इन्वेस्ट करेगा, जो भी मैन्युफैक्चरर होगा, उसके पास एक कंफर्ट जोन होगा कि चलो ठीक है, मैं इतना पैसा लगा रहा हूं तो मुझे एटलीस्ट ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं माल किसको बेचूंगा। तो मिनिमम डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट कुछ सालों के लिए सरकार कर सकती है। मोर बजटरी आउटले, अब आपने देखा कि सरकार ने कितना पैसा दिया है, 76,000 crores, यानी कि अराउंड 10 billion dollars। लेकिन अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, R&D को प्रमोट करना है, तो आपको इससे कहीं ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। तो सरकार को आने वाले टाइम में अपना बजटरी आउटले बढ़ाना पड़ेगा। जो विजन डॉक्यूमेंट माइटी ने रिलीज़ किया है उसमें क्या रिकमेंडेशन दी गई हैं उसको एक बार देख लेते हैं। उनकी सबसे पहली रिकमेंडेशन है कि हमें अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और इस स्ट्रेटेजी के 5 कंपोनेंट्स उन्होंने बताए हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, बिल्डिंग कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस कैसे बिल्ड होगी कि आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा किसको, जो भी ग्लोबल प्लेयर्स हैं आप उनको अट्रैक्ट करिए। जब ग्लोबल प्लेयर्स आएंगे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स भी होंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा। कॉम्पिटिशन होगा तो इनोवेशन आएगा, बेटर प्रोडक्ट्स आप बना पाएंगे। तो इसलिए हमें कॉम्पिटिटिवनेस बिल्ड करनी है। सेकेंड इज कंपोनेंट इकोसिस्टम, जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि आपको किस पे ध्यान देना है, अभी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दीजिए कि कंपोनेंट इकोसिस्टम आप बना पाएं, मैन्युफैक्चर करिए, असेंबल करिए और उसको एक्सपोर्ट करिए। डिज़ाइन इकोसिस्टम, इंडियन इंजीनियर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपको डिज़ाइन इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जैसे कि इंटेल, वो इंडिया में जो है इंडियन इंजीनियर से वो चिप डिज़ाइनिंग करवाएं, इंडिया में अपनी चिप डिज़ाइनिंग फैसिलिटीज़ एस्टेब्लिश करें। फोर्थ इज नर्चरिंग इंडियन चैंपियंस, यानी कि आपको अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करना है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना है। रिमूविंग कॉस्ट डिसेबिलिटीज, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, आपको इनको कम करना है सो दैट हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव हो पाए। जो सेकेंड रिकमेंडेशन इज कॉम्पिटिटिव टैरिफ स्ट्रक्चर। टैरिफ स्ट्रक्चर यानी कि जो भी आपके टैक्सेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे हों, चाहे वो आपके जो भी रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं चिप डिजाइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, उनके ऊपर हो, तो आपको उनको रैशनलाइज करने की जरूरत है। आपको ये देखने की जरूरत है कि किस तरह से हम अपना टैक्सेशन स्ट्रक्चर रखें सो दैट हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर पाए। विनर टेक्स ऑल स्ट्रेटेजी, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे, लेवल फील्ड प्रोवाइड करें, सबको बेनिफिट्स दें, फिर जो भी उसमें कैपेबल होंगे वो एस्टेब्लिश हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। जिनके पास कैपेबिलिटीज नहीं होंगी वो क्या हो जाएंगे, वो पेरिश हो जाएंगे। तो अब इन रिकमेंडेशंस के बाद अब हम देखते हैं, ये तो हो गया कि इस टॉपिक को आप कैसे आपने समझा है इसको, अब देखते हैं कि किस तरह के MCQs जो हैं वो आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उस पर एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च 76,000 crore रुपी PLI स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन इंडिया। अब ये स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट।
सेकेंड इज आफ्टर पेट्रोलियम एंड कार्स सेमीकंडक्टर्स आर ग्लोबली द मोस्ट ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन देखते हैं, ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, या डी नन ऑफ द अबव। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है? कोई भी नहीं, यानी कि आंसर होगा डी। मेंस में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है? PLI स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट इनफ फॉर मेकिंग इंडिया अ हब ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिस्कस। तो यहां पर आपको क्या बताना है? PLI स्कीम के बारे में बताना है, रैशनल बताना है, और साथ ही साथ चैलेंजेस और एक वे फॉरवर्ड देते हुए आपको ये आंसर लिखना होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।